बीजेपी की सरकार बनी है और इस बार तो उन्होंने अपने सरकार के राष्ट्रपति के अभिभाषण में और बजट में भी इस बात को क्लियर किया है कि रेलवे विभाग जिसमें सबसे ज्यादा इन वर्गों के लोग सरकारी कर्मचारी हैं, इनको नौकरी काफी इस विभाग में मिलती है और भी विभाग हैं, उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग और अन्य विभागों को हम निजी हाथों में देंगे प्राइवेट सेक्टर में। तो इससे साफ जाहिर होता है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में दलितों आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की व्यवस्था की है दी है, तो उसे अब ये लोग प्राइवेट सेक्टर के जरिए निजीकरण के जरिए, क्योंकि यहाँ पर इन वर्गों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उसके जरिए इसको ये खत्म करने में लगे हैं। तो ये काफी गंभीर बात है और ये सारी बातें मैं मीडिया के सामने इसलिए रख रही हूँ कि हमारे लोग तो सरकारी नौकरियां ये खत्म कर रहे हैं और यदि छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं और वो सोचे कि बहन जी के भाई को नहीं बख्शा, हमें क्या बख्शेंगे, और घबराकर ये लोग कारोबार ना करें, इनको घबराना नहीं चाहिए, इनको कारोबार करना चाहिए और इनको व्यापार में भी जाना चाहिए, और यदि इनके साथ जाति होगी तो हमारी पार्टी उसके लिए युद्ध स्तर पर संघर्ष करेगी, इनको पीछे नहीं हटना है। और जो मैंने बात ये कही है कि इनके पास जो इन्होंने जो अरबों खरबों की संपत्ति अपनी सरकार के रहते हुए पूरे देश में खरीदी है उसका हिसाब दे दें, पहले क्यों नहीं खरीदी जब ये पावर में नहीं थे, अभी क्यों खरीदी, और चुनाव के दौरान जो पैसा है उसका खुलासा नहीं किया कहां से किया, ये बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या हमने किसी भी आदमी से पैसा नहीं लिया पूंजीपति से, ये सब लोगों को मालूम है, तो हम तो बिल्कुल खुली किताब है। लेकिन ये सोचे कि हमारे लोगों को ये बिल्कुल फिर से सदियों की तरह जैसे पहले उनको गुलाम और लाचार बना के रखा, वो हमारी पार्टी उनको बिल्कुल नहीं बनने देगी। ये मैं बीजेपी एंड कंपनी और आरएसएस के लोगों को खुली चेतावनी देती हूँ, चाहे आप कितने भी हथकंडे इस्तेमाल कर लो, बीएसपी बिल्कुल घबराने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है और मैदान में डटी रहेगी। धन्यवाद। तो मायावती, यहाँ पर आपको बता दें आयकर विभाग की तरफ से उनके भाई आनंद कुमार की 400 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है और उसी के रिएक्शन में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है मायावती, और उनका यही कहना है कि साजिश के तहत उनके भाई को फंसाया जा रहा है। साथ ही अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है और साफ उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास 2000 करोड़ आखिर कहां से आया, यानी कि बीजेपी के ऊपर अब वो आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है। उनका यही कहना है कि उनके भाई को साजिश के तहत फंसाया गया है। तो मायावती का भाई है आनंद कुमार, उसकी 400 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर दी गई है और आपको बता दें कि अब आयकर विभाग की जो ये कार्रवाई हुई है उसके बाद भीम आर्मी जैसे संगठन आनंद की बेनामी संपत्ति को लेकर अब बसपा को घेरने की तैयारी भी कर रहे हैं।